मुक्त का दुनिया में आप लोग को स्वागत है। आज हम ब्रेड पकोड़ा बनाकर दिखाएंगे। आज हम बनाने वाले हैं आलू ब्रेड का पकोड़ा। इसमें बनाने के लिए ये सामग्री चाहिए। ब्रेड है 4 पीस, इसको चूर कर लिए हैं। एक आलू बॉईल करके उसको मैथ लिए हैं और यहाँ एक बड़ा प्याज काट लिए छोटे छोटे। एक छोटा कटोरी का बेसन, यहाँ अदरक कद्दूकस कर लिए हैं, मिर्चाय काट के छोटा छोटा किए और थोड़ा नमक स्वाद अनुसार और कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी। इतना सामान चाहिए ब्रेड आलू का पकौड़ा बनाने के लिए। हम सब इसमें मिला देंगे आलू कटे हुए, प्याज, मिर्चाय, अदरक, नमक, हल्दी, अब बेसन, इसको मिला करके पूरा तैयार कर देते हैं। लगेगा हल्का थोड़ा पानी तो उसमें मिला देना है। तैयार हो गया है। अब इसको बस लंबा लंबा साइड का आलू के साइज का, गोल का साइज, कैसा भी आप इस तरह आप डिजाइन दे सकते हैं। ऐसे इसी तरह बना के फिर तेल, ये हम ऐसे तैयार कर लिए। अब कढ़ाई गरम हो गया है, कढ़ाई में हम तेल डाल रहे हैं। अब एक एक करके सब डाल देंगे। अब थोड़ा एक एक करके थोड़ा पलट देना है। लाल लाल करके निकाल लेना है। पकोड़ा बनकर तैयार है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये चीज आप कभी भी बना के खा सकते हैं, कोई भी टाइम पे। और ये देखिए घर में बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा कैसा लगता है, कमेंट कीजिएगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खा के बताइएगा। धन्यवाद।